राधा कृष्ण मंदिर वार्ड 15 में लगे मोबाइल मेडिकल यूनिट के शिविर में निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे पहुंचे और शिविर का निरीक्षण करने के पश्चात स्वयं अपना भी बीपी जांच करवाकर आम जनमानस को स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने प्रेरित किया। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। इसी तारतम्य में राधा कृष्ण मंदिर वार्ड क्रमांक 15 जोन क्रमांक 2 में लगे मोबाइल मेडिकल यूनिट के शिविर में उपस्थित अनुभवी चिकित्सकों की टीम द्वारा लोगों का हीमोग्लोबिन सिकलिंग सहित ब्लड ग्रुप की जांच की गई और खान पान रहन सहन और स्वच्छता को अपनाते हुए अपने और अपने परिवार के स्वस्थ रहने की जानकारी दी गई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 1 दाई दीदी क्लिनिक संचालित है जो शासन की मंशानुरूप स्लम क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने शिविर आयोजित कर रहे हैं। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में शेड्यूल के मुताबिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से किया जा रहा है। आज निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने वार्ड क्रमांक 15 में लगे स्वास्थ्य शिविर का निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे अपने नियमित निरीक्षण के दौरान राधा कृष्ण मंदिर के स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे। उन्होंने वहां इलाज कराने आए लोगों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने स्वयं अपना ब्लड प्रेशर और लिक्विड प्रोफाइल चेक कराया और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराते रहना आवश्यक है, इसमें विभिन्न बीमारियों का पता भी चलता है और इसका इलाज समय रहते हो जाता है। विलंब करने की दशा में बीमारियों को बढ़ने का मौका मिल जाता है। देखिए माननीय महापौर जी के निर्देश पर 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो अपने नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में संचालित है, जिसमें से 1 दाई दीदी क्लिनिक भी है। महिलाओं के और किशोरियों को लेकर के इस दाई दीदी क्लिनिक में जो है महिला चिकित्सक ही इलाज करती हैं, जो कि कई महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ा सा असहज महसूस करती हैं यदि पुरुष चिकित्सक हों तो। कई बार बेझिझक होने में भी थोड़ा सा उनको महसूस होता है इस टाइप से। तो दाई दीदी क्लिनिक में महिला चिकित्सक चूँकि रहते हैं, महिला स्टाफ ही वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो उस क्लिनिक में जनरली खुल करके अपनी जो बीमारियां हैं उसको वो रख पाते हैं और इलाज उनका संभव हो पाता है। अब इन्हीं सब कारणों को लेकर एक्चुअल में जो जितने मोबाइल मेडिकल यूनिट के जो शिविर संचालित होते हैं, प्रतिदिन निगम आयुक्त महोदय इसका निरीक्षण करते हैं और उनमें दवाई की उपलब्धता, जाँच शिविर में हितग्राही कितने आए हैं और लैब टेक्नीशियन आदि मौजूद है कि नहीं है और इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लीमेंट सारे अक्तन है कि नहीं है, इसकी जांच करते हैं और प्रतिदिन वो निरीक्षण में ये जांच करते हैं। ये इसी तारतम्य में जब शिविर का आयोजन किया गया था तो उन्होंने खुद बीपी और लिपिड प्रोफाइल का जांच कराया और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि भाई आपका जब जाँच कराओगे तभी बीमारियों को पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं नहीं हैं, कुछ ऐसी बीमारी हो तो आप तत्काल उसका जो है समाधान पा सकेंगे, दवाई ले सकेंगे, उसका इलाज करा सकेंगे और समय पर जो है बीमारियों से मुक्ति पा सकेंगे। यदि बीमारियों को पता नहीं चलेगा तो धीरे धीरे वो बीमारियां बढ़ते रहेंगी और फिर जो है बाद में बीमारी इतना बढ़ जाएगा कि उसका इलाज संभव नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जो है वो माननीय आयुक्त महोदय ने अपना स्वयं का बीपी और लिपिड प्रोफाइल चेक करा करके लोगों को संदेश दिया कि आपको भी ये सब जो है अपना नियमित जाँच कराना चाहिए। एक उम्र के बाद में बीपी और शुगर की जांच भी जरूरी है, ऐसा चिकित्सकों ने बताया वहाँ पे। तो यह भी आवश्यक है कि अपना समय समय पर अपना चेक कराते रहें, परीक्षण कराते रहें स्वास्थ्य का। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ आम जनमानस में पाए जाने वाले बीमारियों के लिए निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ भी आम जनमानस को भरपूर प्राप्त हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।